सो गाइस अभी तो फिलहाल इस बाइक को राइड कर रहा हूँ एंड ये शायद से BS3 होगा। इसका साउंड में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे, देखता हूँ एक बार एग्जॉस्ट नोट रुक के, देख सकते हो कैसा हालत है। किसको किसको RS 200 पसंद है तो ज़रूर कमेंट पे बताना, एंड आप लोग ये भी बताना ये बाइक देखने के बाद कि ये बाइक मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आप लोग देख रहे हो विंस्टेस्ट ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। सो गाइस अभी फिलहाल जा रहा हूँ मैं एक बाइक देखने के लिए RS 200, शायद से वो BS3 या फिर BS4 होगा, मुझे जितना लगता है वो BS3 होगा। तो बोल रहा है कि 2017 का मॉडल है, 2017 का अगर मॉडल होगा तो BS4 होगा। तो वही देखने के लिए जा रहा हूँ कि कैसा कंडीशन है, अगर अच्छा हुआ तो उठा लूँगा, यही प्लानिंग है फ़िलहाल, क्योंकि जो बाइक है वो मेरे बजट पे भी है एंड RS 200 तो मेरा पसंदीदा बाइक है। तो बाइक का जो नंबर प्लेट है वो ढक के रखा था, मतलब कवर करके रखा था पिक्चर में, तो इसी कारण के लिए मैं देख नहीं पाया कि थर्ड ओनर या फिर फर्स्ट ओनर है बाइक। तो फिलहाल वही चेक करूँगा एंड बाइक को राइड करके भी देखूँगा कि कैसा कंडीशन में ये बाइक है। एंड बाइक का कलर येलो कलर का है, जो मेरा फेवरेट RS का कलर है येलो, एंड येलो के बाद जो फेवरेट है वो है रेड एंड ब्लैक, उसके बाद जो है फुल ब्लैक, ये तीनों कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल जा रहा हूँ सामने, ये मतलब फ्लाईओवर जो है उस साइड पे ही है उसका घर, तो उधर ही देखने के लिए जा रहा हूँ मैं और नयानी का। मॉर्निंग में जाने का प्लान था लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जिसके पास बाइक है उसको टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा जब जा रहा हूँ तो एक व्लॉग आप लोगों के लिए शूट कर लेता हूँ, अगर ले लेता हूँ तो एक व्लॉग तो हो जाएगा। एंड बाइक का कंडीशन पता नहीं कि कैसा है, 2016 का अगर बाइक होगा तो बहुत ही पुराना होगा, ठीक है ना, तो वही सोच रहा हूँ। मुझे जितना लगता है वो BS3 है, BS4 से मेरा मतलब नहीं, BS6 तो नहीं लूँगा, BS3 या फिर BS4 ही लूँगा मैं, लेकिन कंडीशन अच्छा होना चाहिए एंड सेकेंड ओनर बाइक होना चाहिए। सेकेंड ओनर मतलब मैं जब लूँगा तब सेकेंड ओनर होना चाहिए, एंड अगर कंडीशन एकदम सुपर रहा तो थर्ड ओनर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ये जो बाइक है ये मेरा थर्ड ओनर है, मतलब मेरे पास आने के बाद थर्ड ओनर हुआ है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा बाइक का कंडीशन तो औसम है। तो यही बात है कि बाइक अगर अच्छा रहा, किलोमीटर कम रहा, तो फिर ठीक है, कोई थर्ड ओनर फिफ्थ ओनर देख के भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बाइक अच्छा होना चाहिए, ओनर तो चेंज होते ही रहते हैं। तो वही फ़िलहाल देखने के लिए जा रहा हूँ, कैसा कंडीशन है मुझे पता नहीं, चला के भी देखूँगा एंड आप लोगों को भी दिखाऊँगा। मैं पहले ही उससे बात कर लिया कि मैं ब्लॉग शूट करूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बोला ठीक है आप ब्लॉग शूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल इसी कारण से मैं ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ अभी, एंड आप लोग ज़रूर ये भी कमेंट में बताना कि ये बाइक रख दूँ या फिर सेल कर दूँ उसके बाद वो ख़रीदूँ, ये ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास मतलब मेरे घर में दो बाइक रखना थोड़ा सा दिक्कत है एंड फिनंशियल भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये भी बात आप लोग बता देना कि ये बाइक को सेल कर दूँ या फिर रख दूँ। ओनर जो है उसका तो घर मुझे पता नहीं, फ़िलहाल मैं ओवरब्रिज के सामने ही जा रहा हूँ, उधर पर जाके कॉल कर लूँगा कि किधर पर हो। बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ इस साइड पे, बहुत दिनों के बाद ही व्लॉग शूट कर रहा हूँ इस साइड पे, मैं आता नहीं हूँ उतना ज़्यादा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी जो बाइक का वीडियो वही ज़्यादातर जा रहा है इसी कारण के लिए। एंड किसको किसको RS 200 पसंद है तो ज़रूर कमेंट पे बताना, एंड आप लोग ये भी बताना ये बाइक देखने के बाद कि ये बाइक मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये भी बताना, आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर आप लोग बोलोगे कि ले लो दादा तो फिर मैं ले लूँगा, ठीक है ना। मैं बहुत सारा RS 200 देखा हूँ, मतलब इतना अच्छा कंडीशन में नहीं मिल रहा है, ये भी पता नहीं कैसा कंडीशन है, क्योंकि RS जो भी लोग चलाता है ना उतना मतलब सही तरीके से नहीं चलाता है। तो मैं उधर रुक के थोड़ा सा कॉल कर लेता हूँ पहले, उसके साथ तो बात हो चुका है, तो इसके नीचे एक सर्विस रोड है तो उधर ही जाना पड़ेगा पहले मुझे, क्योंकि उधर ही रुका हुआ है, उसका घर शायद से उधर पे ही है। तो सामने से यू टर्न मरने का रास्ता है, उधर से यू टर्न ले लूंगा। तेरी मौत
मौज नहीं, तू ही है रब, मुझे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैं चढ़े रानी होनी तेरी। बाप रे, इस जगह का हालात देखो, नदी हो गया है। सो गाइस, फिलहाल तो इधर पे रुका हूँ, आ रहा है बोला। एंड इस बाइक को क्या करूँ ज़रूर बताना, इसको रख दूँ या फिर सेल करके ही लूँ, उसका कंडीशन भी देखना पड़ेगा अभी फिलहाल कैसा है। सामने जाके रुका हुआ है तो उधर ही फिलहाल जा रहा हूँ। কিলোমিটার কত হচ্ছে 21,595। ডান দিকে সো গাইস, আমি তো ফিলহাল বাইক কো রাইড কর রা হু। बाइक का साउंड क्वालिटी एकदम ही ख़राब हो चुका है, मतलब हैंडल भी बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है मुझे जो लग रहा है अभी फ़िलहाल इस बाइक को राइड करके, मतलब स्मूथ नहीं है बाइक। एंड ये शायद से BS3 होगा। ये देखो साउंड, देखो RS का साउंड ऐसा नहीं है भाई, इसमें एग्जॉस्ट का कुछ काम हुआ है शायद, या फिर पता नहीं ऐसा क्यों साउंड कर रहा है। इसका साउंड में कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे, देखता हूँ एक बार एग्जॉस्ट नोट रुक के। बाइक का हैंडल भी बहुत ज़्यादा जैम लग रहा है, बाइक का कंडीशन देख सकते हो कैसा हालत है इस बाइक का। एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। बाइक में मतलब इंजन अगर सही रहे ना सब कुछ ठीक है, इंजन का ही मेन प्रॉब्लम है। ये देखो साउंड कैसा हो गया है, पीछे का ये इंडिकेटर भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है। बाइक का स्मूथनेस एकदम ख़त्म हो चुका है, मुझे लग रहा है मीटर चेंज है पता नहीं क्या, लेकिन बाइक का हैंडल बहुत ज़्यादा जैम है, बहुत ज़्यादा जैम लग रहा है बाइक का हैंडल, स्मूथ नहीं है, बॉल लेज़र ख़राब हो सकता है, तो देखता हूँ बात करके कितना बोलता है कि, लेकिन साउंड ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। আমি ওটাই ভাবছি সাউন্ডটা এরকম কেন হচ্ছে, আর এসে সাউন্ডটা এরকম না, মোবাইলটা মনে হচ্ছে কম আছে। না না মোবাইল ঠিকই আছে। 17 না বোধ হয় এটা 16 বোধ হয়, 16 এন্ড হবে। সো গাইস, বাইক কো তো দেখ লিয়া, লেকিন বাইক কা হালাত कुछ खास नहीं लगा मुझे। लूँगा तो थर्ड ओनर होगा तो वो मेरा दिक्कत नहीं था, लेकिन बाइक का कंडीशन एकदम ही अच्छा नहीं है। साइलेंसर का जो मतलब पाइप रहता है बैंड पाइप, वो भी टूटा हुआ है, उधर से हवा निकल रहा है, इसी कारण के लिए साउंड ऐसा हो गया है बाइक का। एंड बाइक के हैंडलिंग जो है बहुत ज़्यादा जैम है, मेरा बाइक का भी थोड़ा सा जैम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो बाइक का जैम है। तो बाइक मतलब अगर 72,000 से मैं उसको लूँगा, उसने बोला 2,000 डिस्काउंट करेगा, तो 70,000 होगा, मतलब 72,000 दाम रखा है। अगर मैं उसको लूँगा तो उसके पीछे मेरा 7-8,000 आराम से खर्चा हो जाएगा मुझे जो लगता है, क्योंकि सामने का टायर भी चेंज करना है। पीछे का टायर एकदम परफेक्ट है, न्यू टायर है, लेकिन सामने का जो टायर है वो ख़त्म हो गया है, उसको चेंज करने के लिए मतलब मान लो 2,000 तो चला जाएगा, क्योंकि मेरा जब चेंज किया था मेरे बाइक का तब भी उतना ही गया था। तो वही था सीन इस बाइक का। तो अभी आप लोग ही बोलो इस बजट में ये बाइक लेना चाहिए या फिर लेना नहीं चाहिए। बाइक तो है फिलहाल, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आप लोग समझ ही सकते हो कि उसका पावर कितना होगा, लेकिन मुझे चला के उतना फील नहीं हुआ पावर, क्योंकि मुझे लगता है उसका क्लच प्लेट गया है। 2016 का मॉडल है वो बाइक, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। पुराना से मतलब नहीं, बाइक का अगर कंडीशन अच्छा रहा था कोई भी नहीं, मतलब BS3 का बाइक है, आप लोग सोच सकते हो उसका पावर क्या होगा।
आराम से डोमिनार 250 बोलो या फिर डोमिनार 250 तो छोड़ो, ये जो ड्यूक 250 है उसको आराम से किल कर देगा आराम से टॉप स्पीड में। BS3 का जितना पावर है ना उतना पावर किसी बाइक में नहीं है, मतलब इस RS 200 में जितना पावर है BS3 में। तो यही था बात। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये बाइक लूँ तो ज़रूर बताना, एंड कितने प्राइस में लेना चाहिए ये भी ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास किसी के पास BS3 या फिर BS4 का RS 200 है अच्छे कंडीशन का, ऐसे कंडीशन का नहीं अच्छे कंडीशन का, अगर प्राइस महंगा हुआ तब भी मैं ले लूँगा, लेकिन मुझे बाइक का कंडीशन अच्छा रहना चाहिए ऐसा वाला, अगर होगा तो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ।